से, क्योंकि डिज़ाइनर इंटरेस्ट लेना शुरू हो गए। जैसे पहले लेडीज़ में, वुमेंस में लोग काम करते थे और आपको बहुत चॉइसिस मुयसर होती थी, इसी तरह अब आपको जेंट्स वार्डरोब में बहुत चॉइसिस मिलेंगी। उसकी वजह लोगों का इंटरेस्ट भी है और डिज़ाइनर्स की मेहनत भी। हमजा, आपको डॉक्टर अजमत के लिए भी कुछ शलवार कमीज़ें बनानी चाहिए, ये पैंट सूट से बाहर नहीं निकलते। मैंने पिछले दिनों पहना हुआ था, नहीं अभी तक मुझे तो नहीं याद, पिछले दिनों वो आपने कहीं और पहना, यहाँ नहीं पहना था, मुझे याद है। मैंने ब्लू मून, हम डॉक्टर शलवार कमीज तो मैं बना लूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है मैं कॉलर से बाहर नहीं निकाल सकता। कॉलर वाला शलवार कमीज होना चाहिए, बैन वाला नहीं होना चाहिए, एम्ब्रॉयडर्ड नहीं होना चाहिए। क्या बताइए, सही कह रहे हैं गलत? शलवार कमीज जैसा भी हो मैं कंफर्टेबल हूँ जी, कॉलर वाला हो या बैंड वाला। हम आपको गोटे वाला बना के देंगे प्रॉपर, फिर देखते हैं कि आप पहनेंगे कि नहीं। आप चाह नहीं रहे कि मैं कर पा मैं जा रही हूँ जरा हम इनका भी टेस्ट थोड़ा सा चेंज करें ना। आई थिंक जो ईस्टर्न कपड़ों का ट्रेंड आया, आई थिंक ये अच्छी बात है, अपनी कल्चर को और अपनी सकाफत को भी ओन कर रहे हैं ज्यादा। अच्छा, खवातीन तो बहुत ज्यादा ड्रेस्ड अप हो के और डिफरेंट ओकेजन पे बाहर निकलती हैं, तो उनके पास तो वार्डरोब की वेरिएशन होती हैं, लेकिन मर्दों के पास, अब जैसे कि इफ्तार के बहुत से लोगों ने इफ्तारी रखी होती है या सहरी का रखा होता है कि भाई हमारे घर आए सारे, तो मर्द हज़रात फिर कैसी ड्रेसिंग कर सकते हैं ऐसे ओकेजन्स पे, और ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गाइड करें? देखें, बड़ी खुशी की बात है हमारे कंट्रीज़ में जब कोई अच्छे आपके फंक्शंस आते हैं, जो आपके अच्छे आपके क्या से कहते हैं इवेंट्स आते हैं, उस पर आप ईस्टर्न्स को प्रेफर करते हैं। रिलीजियस फॉर एग्जाम्पल जैसे अब रमजान चल रहा है, हर एक बंदा चाहता होता है कि मैं शलवार कमीज पहनूं। अगर वो वीक में पूरा नहीं कर सकता, लेकिन फ्राइडे में उसकी पूरी कोशिश होती है कि मैं यार कुर्ता शलवार पहनूं। ये तो मैंने घर में ऑब्जर्व किया, तैफूर का बेटा, वैसे मुझे कभी शलवार कमीज में नजर नहीं आया। जुम्मे के रोजे पे मैं घर गया तो मैंने कहा तुम अचानक शलवार कमीज में कैसे, कहता है जुम्मा था। ये बिल्कुल होता है, ऐसा ही होता। तो वो बिल्कुल, अगर वालदैन की खुशी के लिए कुछ लड़के पहनते हैं, लेकिन पहनते ज़रूर हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि अगर दो चार ही लटके हुए हैं तो दो तीन घंटे के लिए पहना, जुमे की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद दोबारा मैंने ट्राउजर पहना। अच्छा, मेरा बड़ा बेटा जो है हमजा, ही लव्स वेयरिंग शलवार कमीज, ही इज अ लिटिल बिट ऑन द हेल्दियर साइड, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है शलवार कमीज के अंदर। मुझे सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि काली शलवार कमीज से बाहर नहीं निकलता, वो काली और डार्क कलर से बाहर नहीं निकलता। ये चीज़ मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा ऑडियंस को भी और आप लोगों को भी, ये जो हेल्दी पर्सनैलिटीज़ होती हैं ना, इनको फिक्र होती है कि यार हम लोग ना किसी लाइट कलर में और हेल्दी लगेंगे, लेकिन अच्छा। वो सिर्फ अगर कोई मतलब चॉइस लेने के बजाय रिस्क लेने अच्छा हो, कट अच्छा हो, अच्छा हो। लेकिन डार्क कलर पे भी आपके पास बहुत ऑप्शंस होती हैं। अगर आप कट में सिलवाते हैं, सबसे पहले शलवार कमीज में अकॉर्डिंग टू योर हाइट लेंथ देखी जाती है। अगर आपकी लेंथ अच्छी है कुर्ते